और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। दोनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी लखनऊ में और सीधे तौर पर लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर हमला बोला है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज किसान विजय दिवस मना रही है कांग्रेस और देश भर में कांग्रेस किसान विजय दिवस मना रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की एक बार फिर मांग की है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। सीधे रुख करते हैं शैलेश का। शैलेश, एक बार फिर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है और सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। देखिए, लगातार प्रियंका गांधी जो है वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। जब कृषि कानून वापस लेने की बात हुई, ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रियंका गांधी की लखनऊ के इसी कॉल हाउस से, तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वो जब लखीमपुर गई और एक पीड़ित परिवार में गई, उनके घर में महिलाओं से बात की, तो उनका जिक्र किया कि वो महिलाएं कह रही थी वो डरी हुई हैं। और उसके बाद जो अगली उनकी लाइन थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी यही उन्होंने जिक्र किया था कि अभी तक जो लखीमपुर की
की घटना में आरोपी है आशीष। उसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो है वो अभी तक मंत्रिमंडल में है और ये लगातार मांग की जा रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा, अभी हाल ही में देखिए अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री है, उनका लखनऊ में आना हुआ था जब लगातार बैठकें भी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी का जो एक सम्मेलन था, एक कार्यक्रम था, उसमें शिरकत की थी जिसमें सदस्यता अभियान की जब हम बात करें उसमें शामिल हुए थे, तो उस कार्यक्रम के मंच पर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी नजर आए थे। इसके बाद में एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ, वहां भी अजय मिश्र टेनी पहुंचते हैं। तो लगातार देखिए उस मुद्दे को, उसकी जो फोटोज थे, वीडियोज थे, उनको लगातार ट्वीट किया था। सिर्फ प्रियंका गांधी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, बल्कि बाकी विपक्षी दलों ने भी, और मुद्दा बनाया था कि एक तरफ जिसके ऊपर आरोप है किसानों की हत्या के, वीडियो सामने आ चुके हैं, उनके पिता जो अभी भी उस पद पर है जो प्रभावित कर सकता है पूरी जांच को, तो ऐसे में उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और बर्खास्त करने की जगह उनको साथ लेकर घूमा जा रहा है। तो लगातार ये देखिए अभी भी विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है और उनकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है। ऐसे में ये किसानों के जो कृषि कानून है उनको वापस लेना पर्याप्त नहीं है। तो लगातार देखिए विपक्ष जो है कहीं ना कहीं, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया इन तीनों कानूनों को वापस लेने का, तो विपक्ष के लिए देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ा झटका भी था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था विपक्ष के हाथ में किसानों को अपने साथ लाने का। और ऐसे में जिस तरह से क्लीन स्वीप किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि तीनों किसान कानून, जो कृषि कानून है, वो वापस लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक झटका था कि उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा जा रहा है। अब बात होगी विपक्षियों के पास जो, वो इसके इर्द गिर्द जो बाकी चीजें रह जाती हैं उनको लेकर। और देखिए लखीमपुर की घटना जो है वो किस तरह से उठी, किस तरह से उसके वीडियो सामने आते हैं, जिस तरह से उसको लेकर राजनीति हुई, 3 दिन खुद प्रियंका गांधी जो है वो वहाँ पर पुलिस की कस्टडी में भी रहती हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, तो तमाम राज्यों से मुख्यमंत्री जो हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य इन दो राज्यों के, वो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से जिस तरह से आर्थिक मदद दी जाती है पीड़ितों को, जितनी मदद देखिए सरकार दे रही है उससे ज़्यादा आर्थिक मदद जो है वो कांग्रेस देती है, यानी एक संदेश देने की कोशिश, कहीं ना कहीं ये किसान वोट बैंक है उसमें जाने की कोशिश। देखिए किसानों को लेकर सहानुभूति की बात चाहे सत्ताधारी दल करें चाहे विपक्षी दल करें, लेकिन जब चुनाव का वक्त करीब होता है तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं वोट बैंक से जोड़कर साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल किसानों को साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।